पहले कांग्रेस अध्यक्ष कुछ बातें कहेंगे, आपके समक्ष रखेंगे, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन के केसी वेणुगोपाल जी वापस तमिलनाडु की मीटिंग में जाएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक सिंघवी जी और अधीर रंजन जी लेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी देंगे। तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष को कि आपको संबोधित करें। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, अधीर रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लग कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। आया जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि
शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ए लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया। खड़गे जी, मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खड़गे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साहब, विक्ट्री साहब, अब मैं करता हूँ अध्यक्ष।